हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गाइस, मेरी आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी बड़ी मम्मी हैं, जो मेरी ताई जी हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी। इस चलते हम लोगों की आपसे बात नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। बहुत ही बुरा समय था वो, बहुत ज़्यादा दुख भरा समय था हम लोगों के लिए, सच में बहुत ज़्यादा। 10 तारीख को उनके साथ ऐसा हुआ था, तो काफ़ी दिन हो गए अब तो बस बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम था हमारे लिए। तो बस आपसे बात नहीं हो पा रही थी इसी चलते, तो अब मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत दिनों बाद। आई होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। भगवान सबको बनाए रखे ऐसे ही, माँ बाप को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। बच्चे बस आज स्कूल गए हैं, मंडे आज बच्चे स्कूल गए हैं। अभी बस मैंने पूजा वगैरह की है, देख सकते हैं आपने टीका भी लगा हुआ है मेरे। माधव को भी बस तैयार किया है और भजन चल रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, बस वही सुन रही थी। काम वाम सारा हो चुका है मेरा, सारा काम मैंने कर लिया है, माधव की ड्रेस भी धो दी है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं बनाने लगी अपने लिए नाश्ता, और इधर चाय रख दी है, तवा रख दिया है, चाय मतलब थोड़ी सी पक गई है, चाय मैंने बना ली थी। और माधव को मैंने पहले ही नाश्ता करा दिया था, माधव का पराठा ये रहा, और आलू का बनाना है आज मैंने पराठा, और पनीर का पराठा, एक एक पराठा बना लूँगी। और लाइट नहीं आ रही है, चटनी पीसने को रखी हुई है, लाइट आए तो चटनी बनाओ, इन्वर्टर से ऐसे कनेक्शन नहीं है और फिर कोई प्रॉब्लम होती है, और ये वाली मूवी मुझे अच्छी लगती है बस। और अब मैं नाश्ता करूँगी, फिर आपको दिखा। बच्चों को बस टाइम होने वाला है बच्चों का, और बच्चों को बस अभी लेने के लिए जाऊँगी। और मौसम भी चेंज आ गया, इतनी जल्दी चेंज आ गया, गलत हो गया ये। इतनी जल्दी चेंज नहीं आना चाहिए था यार, बहुत जल्दी वैसे फ़र्क पड़ गया मौसम में। अभी तो जनवरी ही चल रही है तभी ये हाल है। और हाँ, इसके बीच में इतना कुछ हो गया, मतलब कि आपको मैंने बताया भी नहीं क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही थी आपसे। पता है वाईफाई लग गया। मैं आपको दिखाती हूँ, वाईफाई लग गया है, बस मैं बहुत खुश हूँ वाईफाई के लिए। तो ये देख सकते हैं आप। और मुझे स्मार्ट टीवी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले मैं स्मार्ट टीवी के पीछे पड़ी हुई थी कि स्मार्ट टीवी लगेगा तो वाईफाई लगेगा। और अब ऐसे टेक्निक आ गई है, ऐसे चीज़ें आ गई हैं कि मतलब हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। ये देखिए, ये बॉक्स लगा है एयरटेल का, और ये देखिए वाईफाई चल रहा है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मस्त करके, ये देखो ये बात। थैंक गॉड, ये बहुत अच्छा हुआ यार। पता है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जब मन करे जैसे मन करे वैसे हम देख सकते हैं वीडियोस वगैरह। मैं अपने ब्लॉग जब इसके अंदर देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बहुत बहुत। और बस चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं थोड़ी देर में, बस वो 2:30 तो बज ही चुका है, तो बच्चे आने वाले ही हैं। और मुझे अभी मम्मी के घर भी जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है कल, कोई रूटीन चेकअप है, तो मुझे डॉक्टर से मिलना है, बात हो गई थी। आज मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, रश से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जाना होता है, एकदम से जाके अंदर चली जाती हूँ, बात है मेरी तो बात कर रखी थी। तो उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को आ जाना, तो मैंने कहा ये बेटर है, क्योंकि फिर पता है क्या है, मेरे को छुट्टी करानी ही ठीक रहेगी बच्चों की, क्योंकि इनकेस अगर लेट हो गई मैं, कुछ भी है, तो फिर बच्चों को कौन पिक करेगा, इसीलिए। तो इसलिए मैं कल बच्चों की छुट्टी कराने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी मम्मी के घर जाऊँगी, तो फिर आपको मम्मी से भी मिलवाती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ, चलते हैं। और पता है हमारे उधर मम्मी के उधर मार्केट पे, जो मेन मार्केट है मम्मी के वहाँ, तो वहाँ पर पता है कुल्हड़ पिज्ज़ा भी मिलने लगा है। अभी कुछ टाइम पहले तो कमिंग सून था, बट मैं कल ही तो आई हूँ मैं मम्मी के घर से, परसों, हाँ। तो हाँ कल ही आई हूँ, हाँ कल ही तो आई हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था वो ओपन हो चुका है, तो फिर वहाँ पे भी चलेंगे, कुल्हड़ पिज्ज़ा भी ट्राई करने वाली हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा। और चलते हैं, अब थोड़ी देर में बच्चों को लेकर आते हैं, फिर बच्चों से भी मिलवाती हूँ, काफ़ी टाइम बाद बच्चों से आपकी बात होगी, चलते हैं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बस अब मैं बना रही हूँ इधर बच्चों के लिए मैगी, और इधर मेरी रिंग लाइट चल रही है। वो कैसे, मैं अभी एक रील बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ऑन ही रखती हूँ, आपको दिखा भी दूँगी अपनी रिंग लाइट,
देख सकते हैं ये मेरी एक लाइट है। आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, इसकी खुशी का तो आपको पता ही है कि कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मिलवाती हूँ मिट्टू से, ये बैठिए मिट्टू। आपसे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। और पता है इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। पता है इसका मैंने ऑयल भी बनाया, पता नहीं इसको आराम मिलेगा उस ऑयल से या नहीं। बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रहा है और बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे, बेचारी लेट गई थके पड़े बच्चे। उसे देखो वो देखो बाहर कैसे लटका हुआ है, क्या कर रहा है ये। हाय कर। हाय, कैसे हो? कैसे हो? कह रही स्वेटर उतार के आई है, कह रही स्वेटर उतार दो मेरे को गर्मी लग रही है। मैं क्यों कह रही गर्मी लग रही है? अब दो दो बच्चों को दो दो स्वेटर पहना रखे थे तो यार गर्मी तो लगेगी ना बच्चों को। मौसम में चेंज आ गया, क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। अभी चूंकि ऑटो में और ऑटो बड़ा स्मूथ चल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये बैटरी वाला ऑटो है। भैया भी हंसते हैं और बाजू भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और गन्नू मिट्टू भी है। हेलो गन्नू बिजी है जरा, मतलब कहीं भी जाना हो पहले इनको चीज चाहिए होती है रास्ते में। आते ही कह रहे पहले चीज तो दिलवा दो। तो चॉकलेट लिए दोनों ने और उससे पंजाबी तड़का लिया और माधु को भी चॉकलेट और बिस्किट दिलाया। मेरी मतलब चल रही है फटाफट। मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर गाइस, और आते के साथ ही पहले तो मैं मार्केट गई। अभी गन्नू की दूध की बॉटल टूट गई थी, है ना गन्नू? तो फिर वो आ गया, शिव आ गया। आई बॉटल आ गई है गन्नू की, लेकर आई तो रोने लगा। गन्नू की बॉटल आ गई है। तो हाँ तो कोई बात नहीं ना, ऐसे थोड़े करते हैं। गन्नू के लिए बॉटल लेकर आई तो वो भी रोने लगा कि मुझे भी बॉटल चाहिए, नया दूध नया दूध। तो उसको भी बस बॉटल दिला के लाई हूँ, अभी बता रहा है वही आपको। और मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है मेरे को कि क्या लेना है, पर फिर भी मार्केट चलते हैं, शॉपिंग कराते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और मम्मी से मिलवाती हूँ, मम्मी बैठी है ये। हाय, ओहो वो हाय करेंगी आपको, फुल ऑन पैक है। आज इन्होंने ढेर पक्के कपड़े धोए हैं, इनके घर में रोज़ कपड़े धुलते हैं, पता नहीं इतने कपड़े क्यों निकालते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। बहुत कपड़े धोते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, है ना शिवा? शिवा अपना टॉय तो दिखा दो, टॉय दिखाओ। चलो बाय कर दो गाइस को, अच्छा बाय। वो नई शीशी में दूध पी रहा है अभी। चुकी हूँ और अब मैं आप सबको मिलवाती हूँ अपने भैया से। ये भैया हैं हमारे पड़ोसी हैं ये। बहुत बढ़िया इनकी शॉप है और बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता है, बहुत कुछ हम यहीं से ही खरीदते हैं। और अब मैं ड्रेस देखने आई हूँ अपने लिए, देखते हैं फटाफट। भैया दिखाओ बढ़िया बढ़िया सा कुछ, दिखाएंगे देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ कौन सी ड्रेस ली मैं। चलो गाइस कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरे को सुबह हॉस्पिटल भी जाना है, इसीलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।